हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग आज के ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ अपना फुल मॉर्निंग किचन रूटीन गुड मॉर्निंग टूडे फ्राइडेड नवम्बर टूडे वीर अबाउट वेट इज देट और मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मिल्क लेने के साथ हम लोग काफी अर्ली डिनर कर लेते हैं एंड सुबह ब्रेकफास्ट बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है तो भूख लग जाती है इसलिए आज कल सुबह सुबह हम लोग एक गिलास नील एक ग्लास में हम दोनों दूध ले लेते हैं और मैंने अपनी पुरानी काफ़ी वीडियोस में आपसे शेयर किया है कि मैं ऑर्गेनिक वैली का दूध लेती थी बट रिसेंटली मुझे ये ए टू मिल्क मिला है कहते हैं ए टू बहुत इजी होता है डाइजेशन में और न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं एवन के कंपैरिजन में इसलिए मैंने स्विच किया और ये ना क्रीम ऑन टॉप भी है यानी ये होमोजिनाइज नहीं है तो जैसे इंडिया में दूध आते हैं ना जिसमें मलाई अलग निकलती है ये वैसा है और ये पैसचराइज भी बहुत लो हीट पर है तो मैंने ये ट्राई किया है और आजकल तो ये मुझे काफ़ी इसका फ्लेवर अच्छा लग रहा है और डाइजेस्ट होने में भी थोड़ा इजी मुझे ये लग रहा है यहाँ पे नील स्टीम ले रहा है तो जब मौसम काफ़ी बदल गया है ठंड आ रही है तो नील की काफ़ी ज़्यादा नोज ब्लॉक्ड रहती है तो सुबह एंड रात को वो स्टीम ले, ले लेता है तो उसे थोड़ा सा आराम मिल जाता है उससे एंड फ्रेंड्स करवा चौथ की वीडियो में मैंने शेयर किया था आपको कि मैं मेहंदी लगवाने गई थी एंड टू डेज़ बाद ये है मेहंदी का हाल सारी मेहंदी धुल गई है <laughs> तो यही है रियलिटी ऑफ मॉम्स तो वापस आ जाते हैं किचन में और अभी नील का ब्रेकफास्ट बना लूंगी मैं जल्दी जल्दी उसका स्कूल का टाइम हो जाएगा फिर अराउंड एट थर्टी वो निकलता है घर से तो आज मैं उसके लिए बनाई हूँ कैरेट पराठा कैरेट बहुत मुश्किल से खाता है तो मैं उसको पराठे में मिक्स करके उसको दे देती हूँ बस कैरेट ग्रेट कर लिया कि बेबी कैरेट सी पड़ी थी मेरे पास वो ग्रेट करके सिर्फ़ नमक डाल दिया उनमें और ये दो छोटी छोटी सी मैंने रोटियाँ बना ली हैं रोटियों में इनको मैं भर लूँगी कैरेट को अच्छे से हालांकि पराठे के फॉर्म में भी आप भर के रोल कर सकते हो पर ऐसे ना फिलिंग ज़्यादा ज़्यादा आ जाती है तो थोड़ी सी सब्जी बच्चे के पेट में ज़्यादा चली जाती है बस अब इनको फ़ोल्ड करके इनके कॉर्नर्स में मोड़ लूँगी ताकि वो फिलिंग बाहर ना निकले और बस इसको मैं बेल के पराठा बना लूँगी अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें ना स्पेशली कैरेट वाला क्योंकि कैरेट में थोड़ा पानी होता है तो फिलिंग थोड़ी कम ही रखना और आटा ज़्यादा लगाना नहीं तो वो टूट जाएगा तो हल्का सा ट्रिकी होता है ये तो इसको मैं हाथ से ज़्यादा बनाती हूँ बेलन बिल्कुल लाइटली यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ी टेंडेंसी होती है इसकी ब्रेक होने वाली बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा टेस्टी पराठा बनता है और आप ज़रूर ट्राई करना ऐसे ही मैं गोभी मूली कुछ ना कुछ अलग अलग सब्जियां भर के ट्राई करती हूँ कि नील खा ले क्योंकि नॉर्मल सब्जी रोटी बच्चे उतने खुशी खुशी प्रेफर नहीं करते स्पेशली टिफ़िन बॉक्स में सब्ज़ी रोटी काफ़ी कमी वो लोग खाते हैं तो ऐसे पराठों में भर के दे दो तो फिर भी देर इज़ अ चांस के वो लोग खा लेंगे और पराठे के जैसे बस मैंने घी या ऑयल लगा के इसको अच्छे से सेक लिया है थोड़ा सा उसे खाने में ईजी हो जाए तो मैं इसके चार टुकड़े कर लेती और बस टिफिन में डाल दिया है एंड फ्रेंड्स अगर आप आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो माय नेम इज़ नेहा एंड आई एम अ वर्किंग मॉम स्टेइंग इन यूएस एस यहाँ पर मेरा चार साल का बेटा है एंड मैं जनरली लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स कुकिंग वीडियोस किड्स रेसिपी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और इस टाइप की वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर चैनल को एक सब्सक्राइब करना आपके कोई कमेंट्स हों कोई सजेशनस हों तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल the comments पराठों के साथ आज मैंने नील को दिया था चिक्की तो अभी ठंड हो गई है तो ये हमारे घर में आई हुई थी तो मैंने आज इसको दे दिया मीठे में और फ्रूट्स में दिया मैंने इसको ग्रेप्स कई बार मैं इसे चीज़ स्टिक भी दे देती हूँ अच्छा इसके अलावा ना इनका एक स्नैक टाइम होता है तो टीचर बोलती है एक स्नैक दिया करो तो आज मैंने दिए नील को स्प्राउट्स मूँग दाल के एंड फ्रेंड आपको दिखाती हूँ मेरा एक नया आ, स्प्राउट मेकर ये नील के चाचू चाची ने हमें गिफ्ट किया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अगर आप लोग कोई अच्छा स्प्राउट मेकर देख रहे हैं तो तो ये कांच का है इसमें ऊपर जाली है इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बड़ा कन्वीनियंट है यूज़ करने में जैसे पहली रात मैंने भिगो के रख दिया था दूसरे दिन सुबह आप ऐसे रिंस कर लो इसको ईजिली तो उससे ना स्प्राउट्स बहुत अच्छे बन के आते हैं और जल्दी खराब नहीं होते तो एक दो बार सुबह एक दो बार रात को इसको रिंस कर दिया है एंड इसका पूरा एक सेटअप सा है उसमें इसको टांग दो और अगले मॉर्निंग में और इसमें नीचे आप देख सकते हो कि वो कांच भी लगा हुआ है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो कांच में आ जाएगा और नेक्स्ट मॉर्निंग तो ये तीसरा दिन हुआ बिल्कुल बहुत अच्छे स्प्राउट्स बन के एकदम रेडी हो जाते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप लोग ढूँढ रहे हो कोई अच्छा स्प्राउट मेकर तो चेक कर सकते हो तो बस नील रेडी हो गया है एंड अभी हम जल्दी जल्दी जाएंगे नील को बस स्टॉप पे छोड़ने तो नील की स्कूल बस आती है इसको पिकअप करने घर से अराउंड टेन मिनट्स वॉक पे है जो बस स्टॉप है हमारा और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नील का एक फ्रेंड बन गया है जो भी किंडा गार्डन में है और बस स्टॉप पे आता है तो वो और नील बहुत ही खुश हो हैप्पीली जाते हैं शुरू शुरू में नील को इतना मज़ा नहीं आ रहा था पर अब जब से उसका फ्रेंड बना है तो बहुत ही खुश हो के बस में जाता है एक बार बस में मैंने नील को छोड़ दिया है तो मैं इधर हमारे यहाँ पार्क ही है वहीं पे पास में तो वहाँ पे मैं आधा घंटा के करीब वॉक कर लेती हूँ हालांकि स्पेशली वॉक करने आने में काफ़ी लेजी लगता है ठंड के दिनों में स्पेशली पर एक बार जब घर से उतर गए होते हो ना तो फिर वॉक भी हो ही जाती है वॉक करके आने के बाद अब हो गई है पूरी ज़बरदस्त कुकिंग की तैयारी शुरू ब्रेकफास्ट एंड लंच तो ब्रेकफास्ट uh, में ग्रेटेड कैरेट तो थी मेरे पास थोड़ी सी मैंने क्योंकि वो कम पड़ता तो थो, थोड़ा सा मैंने मेथी काट लिया है साथ में थोड़ी सी जिंजर और ग्रीन चिलीज़ तो इसका मैं आटा बना लूँगी इसमें मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला है टेस्ट के लिए और नमक दैट्स इट इसमें आटा डाल के इसका डो बना लिया है और इसकी आज हम बना लेंगे रोटियाँ एंड गाइज ये ना मुझे विंटर्स के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है कि इतनी सारी वेजिटेबल्स uh, और सब चीज़ें अवेलेबल होती है ना विंटर्स में इतना न्यूट्रिशस खाना तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए पराठे नहीं बनाए हैं मैंने क्योंकि थोड़े हैवी हो जाएंगे तो मैंने सिर्फ रोटी की तरह इसको अच्छे से सेक लिया है हाँ ऊपर से हम लोग इसमें बटर लगा लेंगे तो बस ये यमी यमी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है एंड फाइनली अब आते हैं लंच की तरफ तो लंच में मैं एक सब्जी बना के रख दूँगी क्योंकि सब लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं तो आ, रोटी बनेगी जब भी खाना होगा आफ्टरनून में आज मुझे बनानी थी भिंडी की सब्जी तो मैंने भिंडी को ना एक रात पहले ही काट के फ्रिज में रख दिया था इसलिए रख दिया था सुबह टाइम भी बचता है और भिंडी ना पूरी सूख जाती है नहीं तो गीली भिंडी फिर चिपकती है काफ़ी जब मैंने इसे काटा है ना तो इसके पूरे बीज वगैरह भी निकाल दिए उससे आप देखोगे कि बहुत ही खिली खिली भिंडी बनेगी उसमें रेशे से नहीं निकलेंगे थोड़ा आलू डाल दिया था इसलिए कि नील खुश होकर खा लेगा इसमें मैंने डाला है दो टेबल के करीब अमचूर पाउडर हल्दी आ, थोड़ी अजवाइन एंड इसमें डाला मैंने गरम मसाला तो इतने से मसाला डाला है उसके अलावा मैंने इसमें डाला अराउंड दो टेबल स्पून के करीब बेसन और हल्का क्रिस्पीनेस देने के लिए एक टेबल स्पून राइस फ्लोर अच्छे से मिक्स कर दिया है आ, अब फ्रेंड्स अगर स्पेशल ओकेजन हो ना तो इस मिक्सचर को आप डीप फ्राई कर लो बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरी आपकी भिंडी बन के रेडी हो जाएंगी पर क्योंकि आज तो नॉर्मल दिन था तो फ्राई करने का तो कोई मतलब नहीं था हमारा तो मैंने बस रेगुलर भिंडी की तरह इसको कढ़ाई में बनाया है थोड़ा सा मैंने प्याज को पहले फ़्राई कर है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है भिंडी के साथ आ, उसमें मैंने अपना ये पूरा मिक्सचर डाल दिया है अब तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे आ, पहले खोल के पकाना है इसको उसके बाद फिर ढक के थोड़ी देर आप स्टीम में भी पका सकते हो और फिर लास्ट में फिर से खोल के इसमें मैंने अभी तक सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से पानी छोड़ेगी भिंडी और फिर छिपकेगी और वाइट वाइट उसके रेशे निकलने लगेंगे तो सॉल्ट मैं ऐड करूँगी बिल्कुल लास्ट में जब हमारी भिंडी ऑलमोस्ट बन जाएगी आ, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर स्टीम करने के लिए ढक दिया और फाइनली फिर से थोड़ा सा खोल के भुना है ताकि थोड़ी सी हल्की सी फ्राइड वाली फीलिंग आए और बस यहाँ पर सब्जी भी बन के रेडी हो गई है नाश्ता वगैरह भी हो गया है और इसके साथ मेरा मॉर्निंग किचन रूटीन खत्म होता है एंड फ्रेंड्स होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जो भी कमेंट हो मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय